डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इससे पूर्व बाजारों में गणेश भगवान की प्रतिमाएं बिकने के लिए तैयार की गई हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सभी पर्व और त्योहार फीके नजर आ रहे हैं, लिहाजा गणेश चतुर्थी का पर्व भी उस उल्लास के साथ मनता नहीं दिखाई दे रहा। बाजार में मूर्तिकारों ने भी बड़ी मूर्तियों का निर्माण नहीं किया है। 6 इंच से लेकर 3 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं बनाई गई हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार पहले जैसी बिक्री नहीं होने वाली, इसलिए तैयारी भी उसी हिसाब से की गई है। कोविड-19 बीमारी से रोजी रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया है। मूर्तिकार इन दिनों बेलदारी का काम कर रहे हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, जो इन मूर्तियों को बनाने से पूरी नहीं हो पा रही। इसलिए घर के लोग मजदूरी पर निकल जाते हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है, उसमें मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियों का निर्माण किया गया है। कोरोना महामारी के चलते पूर्व की तरह मूर्तियों के भाव भी नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं लोग खरीदारी करने भी कम ही निकल रहे हैं। मूर्तिकार और खरीददारों ने बताया कि कोरोना का डर इस कदर फैला हुआ है कि लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। फिर भी उम्मीद है कि जो मूर्तियां बनाई है वह बिक जाएंगी और उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा हो पाएगा। सर कहाँ है, इक्का दुक्का है, एकाद दो तीन बिक्री है, अभी ग्राहक है नहीं इतने। वैसे 22 तारीख की गणपति स्थापना है, अब देखिए क्या होता है। लेके तो आए हैं, माल निकलता है या नहीं। कोविड-19 के चक्कर में अभी तो बिजनेस सारे ऐसे ही हैं। सरकार ने जो दिशा निर्देश दे रखे हैं उसके चक्कर में भी लोग बाग हो सकता है कम स्थापना वगैरह करें, और क्योंकि कहाँ विसर्जन की स्थिति रहेगी या क्या रहेगा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, तो पब्लिक भी ले जाने में डर रही है अभी गणपति स्थापना के लिए। छोटी मूर्तियाँ ही लाए हैं अधिकतर हम, क्योंकि बड़ी तो अभी कोई परमिशन है नहीं है। छोटे घर में ही स्थापना हो जाए, इसी साइज की मूर्तियाँ लेके आए। पहले से बना कर रखे सर, ऑर्डर का कोई नहीं है हमारा माल। अभी ऑर्डर कुछ नहीं है, ऑर्डर का तो 1 महीने पहले ऑर्डर आता था बड़ी बड़ी मूर्तियों का, वो बंद करा दी। अब छोटी मूर्तियाँ एंड टाइम पे ले जाएंगे लोग, बस ऑर्डर थोड़ी देते हैं छोटी मूर्तियों का। इस बार में तो बिल्कुल ही डाउन हो रहा है, बिल्कुल कोई ग्राहक कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं, एक ऑर्डर भी नहीं हो रहा, बुक भी नहीं हो रही, छोटी मूर्ति बुक नहीं हो रही है। अच्छा, छोटी मूर्तियाँ भी बुक नहीं हो रही है? नहीं बुक नहीं हो रही सर। फिर आप अपना घर ये कैसे चलाते हो? चलाते क्या भाई, कभी दिहाड़ी भी चले जाते हैं वहाँ लेबर काम चौक पे, कभी छोटे मोटे फूल छत में लगाते हुए बिक जाते हैं, थोड़े इसमें काम कर लेते हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं। अब गणेश चौथ देख लो क्या कहते हैं, माता ने करे अच्छा बिक जाए गणेश चौथ, भगवान गणपति सारा बिक जाता हमारा सही। अगले साल तो हम 400-500 मूर्ति बेच दी छोटी, इस साल तो हमारे 70-100 मूर्ति भी नहीं हो रही पूरी हमारे, सुनने के निकालने का मन ही नहीं कर रहा है। लोग अगले जाएंगे फिर क्या निकालें, कहाँ रखेंगे हम, रोड का मामला है, अटारी सरकार तो कहाँ जाएंगे। बड़ी मूर्तियों को सर खुद सरकार ने अलर्ट मना कर दिया कि पंडाल लगेंगे नहीं, डांडे खेलेंगे नहीं, वो बस के छोटे छोटे मूर्तियाँ घर में बिठाएंगे बस, ज़्यादा बड़ी मूर्ति चलेगी नहीं। बड़ी मूर्ति आरोप कर दिया, परवा करने देंगे नहीं हम पानी के अंदर, वहाँ पर चाहे इसका वो कुंडल बना हुआ पानी में बहने का, बिल्कुल मना कर दिया हमारे को। जब भी हम छोटी मूर्ति बना रहे हैं, अगले साल बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई थी, चली थी, हमारे ग्राहक भी नहीं आ रहे, बिल्कुल खाली बैठा भी है, बुक भी नहीं हो रही मूर्ति हमारे।